हेलो एवरीवन, फिर से एक नई रेसिपी के साथ आप सभी का स्वागत है सिम्मीज मैजिक किचन में। सर्दियों में हम सभी कुछ ऐसा खाना चाहते हैं जिससे हमारा बॉडी गर्म रहे, और तिल ऐसा चीज है जिससे हमारे बॉडी को बहुत गर्माहट मिलती है। आप इसे लड्डू बना के खाइए, चिक्की बना के खाइए, ये आपकी मर्जी है। मैंने आज तिल का लड्डू बनाया है और इसके साथ ही मैंने अपने चैनल में चिक्की की रेसिपी भी शेयर की है, आप वो देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके लिए मैंने गैस पे कढ़ाई रखा और उस पे एक कप सफेद तिल ले लिया। अब इसे भून लेंगे। जब आप इसे भूनेंगे ना तो दो बातें से आपको समझ में आएगा कि ये तैयार हो चुका है। पहला कि ये तिल फूटना स्टार्ट हो जाएगा, और दूसरा तिल की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। तो आप समझ जाइए कि आपका तिल भून चुका है, बस रेडी हो गया। अब इसे गैस बंद करके हम एक साइड रख देंगे। अब दूसरी तरफ मैंने एक और कढ़ाई रखा और उसमें एक कप गुड़ ले लिया और उसके साथ बिल्कुल थोड़ा सा पानी। अब इसे धीमी आंच पे पकाएंगे। फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है, नहीं तो ये गुड़ जल जाएगा। आप इसे ग्रेट करके भी ले सकते हैं, इससे ये प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो जाएगा। जब ये मेल्ट हो जाए तो अब इसे लगातार चलाते हुए पकाते रहना है। देखिएगा कि थोड़ा इसमें झाग आना स्टार्ट हो जाएगा। जब इसमें झाग आना स्टार्ट हो जाएगा मतलब कि इस स्टेज पे आपको बहुत अलर्ट होके काम करना है, क्योंकि झाग आने का मतलब है कि आपका गुड़ अब तैयार होने वाला है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप इसे चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए आप एक कटोरी में ठंडा पानी ले लीजिए और उसमें एक ड्रॉप डाल के देख लीजिए। अगर ये गुड़ फैल जाता है तो मतलब और पकेगा, और अगर जम जाता है तो मतलब ये रेडी हो चुका है। बस अब इसको थोड़ा चला के और इसमें अब हम तिल डाल देंगे। ये तिल डाल के अब इसे अच्छी तरह मिलाना है और गैस हमें बंद कर देना है। इसे ज्यादा देर तक गैस पे रखेंगे तो ये गुड़ हार्ड हो जाएगा और उसके बाद आपको बहुत मुश्किल होगा इसका लड्डू बनाने में। तो फटाफट इस प्रोसेस को कंप्लीट करिए और इसे मिक्स करके अच्छी तरह, और हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। ये ज्यादा ठंडा हो जाएगा तो फिर ये जमने लगेगा, इसलिए मैंने इसे बाउल में निकाल लिया। अब एक कटोरी में थोड़ा पानी ले लेंगे और हाथ में पानी लगा के अब इस लड्डू को बनाएंगे। ये बहुत आसान होता है बनाना, बस थोड़े से ट्रिक को आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो कई बार होता है लड्डू बिखर जाता है। अगर ऐसा होता है तो उस समय आप इस पूरे मिक्सचर को एक कढ़ाई में डाल के थोड़ा पानी का छींटा मारिए और थोड़ा गर्म कर लीजिए, वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो देखिए कितना सुंदर चमकता हुआ लड्डू तैयार हो गया, बिना घी और बिना तेल के, सिर्फ गुड़ और तिल के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।